काफ़ी बार हो गई है कार्यालय में, और यहाँ पर जिस तरह से जाम और उसकी समस्या पर आपने आज एक प्रश्न उठाया था कि किस डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया जाए, क्या आप यही पूरा आपका यही हुआ था और सरकार की तरफ से क्या? आज मैंने एक प्रश्न किया था सरकार से कि जब भी शिमला आते हैं तो शिमला ज़्यादातर लोग एक पर्यटन स्थली है और ज़्यादातर विजिटर्स जो हैं टूरिस्ट आते हैं, लेकिन टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से यदि देखें तो एक एक घंटा जो है विजिटर्स को जाम में खड़े रहना पड़ता है, और आज जिस तरह से स्ट्रक्चर प्रेशर बढ़ा है और समय पे हम पढ़ते रहते हैं कि आज रिज जो है धस गया है और आज कहीं पर कोई इमारत ढह गई है, तो ये सब वजह जो मैं समझता हूँ कि शिमला का जो वर्तमान स्वरूप है ये किसी ने भी इसकी परिकल्पना नहीं की थी, क्योंकि टूरिज्म की दृष्टि से आज अंतर्राष्ट्रीय मैप पे जो है अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर शिमला का नाम है, और इसको मैंने आज यही सरकार के समक्ष रखा था कि जो यहाँ पर कार्यालय हैं ज़्यादातर जो बहुत से कार्यालय जो हैं उनको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और मैंने ये मांग भी की थी, आग्रह भी किया सरकार से कि कुछ कार्यालय जो है अर्की विधानसभा क्षेत्र जहाँ से मैं आता हूँ साथ लगता विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर कुछ कार्यालय शिफ्ट किए जाएं ताकि वहाँ की आर्थिकी भी बढ़े, वहाँ पर भी विकास हो, और यहाँ से जो प्रेशर है स्ट्रक्चर प्रेशर जो है कम हो, और जिस तरह से जो जाम अब दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं टूरिस्ट प्लेस ही शिमला को रहने दिया जाए, ये मेरा भाव था। लेकिन बड़े हैरानी की बात है कि जो मेरे प्रश्न के जवाब में जो मुझे उत्तर मिला उसमें सरकार की तरफ से ये उत्तर दिया गया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, तो मुझे नहीं पता लगा कि वो किस तरह की जानकारी चाह रहे हैं, ये तो निर्णय लेने की बात है, सरकार इसको इस पर निर्णय लेना है, तो वो मुझे ये कह सकते थे कि हम इसमें निर्णय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही इस तरह के कार्य होते हैं, और इस बारे में मैं उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, इस पर मैंने चर्चा की।